हीना अब्दुल रहमान कराची से पूछती हैं जी, हालत एहराम में निकाह करना जायज़ है या नहीं? देखें, एहराम की हालत में ज़ौजा से हमबिस्तरी तो बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, उससे दम भी वाजिब होता है। लेकिन ये कि निकाह करना जायज़ है या नहीं, तो इस बारे में अहादीस दोनों तरफ हैं, दोनों तरह की अहादीस हैं। बाज़ अहादीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था तो हालत एहराम में थे, बाज़ में है कि नहीं एहराम में नहीं थे। हनाफ़ के यहाँ जो तरजीह है वो इसको है कि एहराम की हालत में निकाह करना जायज़ है। तो अगर आप फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करती हैं तो दलाइल इस तरफ भी बहुत मज़बूत हैं, हनाफ़ के मसलक पे भी, और इमाम शाफ़ी की दूसरी राय, इमाम अहमद हम्बल की भी, कि एहराम की हालत में निकाह दुरुस्त नहीं है। तो कोई एहतियात पे अमल करे तो अच्छी बात है, और अगर कोई हालत कोई फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो कर रहा है तो हालत एहराम में निकाह कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या है, थोड़ा डिले कर लें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दुल्हन हाथ से निकल जाएगी, लड़की वालों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि जब भी कहीं रिश्ता तय होता है ना तो फौरन शैतान हरकत में आ जाता है रिश्ता तोड़वाने के लिए, तो फौरन जो है ना लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं, गलत फहमियाँ भी। तो ऐसे ही सूरत में दुल्हन ही हाथ से ना निकल जाए, तो ऐसी सूरत में कोई जो फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करता है तो वो अगर एहराम की हालत में निकाह कर ले ताकि जो है वो डिलीवरी बाद में हो जाएगी लेकिन अभी निकाह हो जाए, ठीक है ना, तो वो गुंजाइश है उसके लिए।